सर्वोच्च नेता खामनेई का हमला। उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट में यूएस यूरोप समस्या की जड़ है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो यूएस और यूरोप पर ईरान ने हमला साधते हुए कहा है कि वही जड़ है। शांति लाने का दावा करने वाले ही तनाव के जिम्मेदार हैं। जो शांति लाने का दावा करते हैं वही तो तनाव खड़ा करते हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस यूरोप समस्या की जड़ है। उन्होंने कहा कि यही समस्या की जड़ है, इन्हीं की वजह से परेशानी खड़ी होती है। यहाँ से यूएस यूरोपीय देशों को हटाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। इस वजह से अब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाए जा रहे हैं। उधर ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी का दावा है, बड़ा दावा किया गया है, ईरानी सेना ने इसराइल के ड्रोन पर हमला किया, मोसाद के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया गया है। ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा, ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी की तरफ से कहा गया है। दो बेस पर निशाना साधा गया। ईरान के आर्मी चीफ का ये बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने जानकारी दी है, कहा गया है दो बेस को तबाह कर दिया गया है, निशाना साधा गया था। इसराइल के ये दो बेस और अहम ठिकाने हैं, दरअसल अहम ठिकानों को चुना जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है, एक एक कर उन्हें तबाह किया जा रहा है। ये जानकारी लगातार सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ महीने से मिडिल ईस्ट में पैदा हुए तनाव से हालात महायुद्ध में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर विश्व युद्ध का शंखनाद बज चुका है और हो सकता है। दरअसल बीती रात ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया। ईरान ने अपने सबसे घातक कहे जाने वाले फतेह वन हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए, जो कि पहली बार हुआ, इसराइल के करीब 80 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने 400 मिसाइलें दागी हैं, जबकि इसराइल ने उसके दावों का खंडन करते हुए कहा कि ईरान की ओर से सिर्फ 181 मिसाइलें दागी गई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ईरान की तरफ से हमला तो कर दिया गया है और महायुद्ध का सायरन भी बज चुका है। भारतीय समय के मुताबिक रात के करीब 9:30 बजे मंगलवार की रात ईरान की सेना ने इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इसराइल के करीब 80 शहरों में सायरन बजने लगे। धमाकों और धुएं का गुबार नजर आने लगा। कई हाईवेज तबाह हो गए, कई रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील हो गए, तो कई शहरों में खौफ का सन्नाटा पसर गया। 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमलों के बाद यह दूसरा मौका था जब इसराइल की आवाम सहम गई। लोग अंडरग्राउंड बंकर्स या कहें बम शेल्टर्स की ओर भागते नजर आए। ईरानी खेमा जश्न मनाता दिखा। ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसने 400 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए अपना बदला पूरा कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए पहली बार फतेह वन हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वो फतेह वन हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे ईरान ने अपने देश में ही डेवलप किया है, वो फतेह वन हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी पिछले साल ही ईरान ने पूरी दुनिया के सामने नुमाइश की थी, वो फतेह वन हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 15 गुना तेज रफ्तार से हमला कर सकती है, वो फतेह वन हाइपरसोनिक मिसाइल जो खास तौर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाई गई है। ईरान ने जो हमला किया है
और जो मिसाइलें इस्तेमाल की हैं वो काफ़ी घातक हैं और सुपरसोनिक हैं, क्योंकि ईरान और इसराइल का जितना डिस्टेंस है वो हज़ारों मीलों में मापा जा सकता है और वहाँ केवल इसी तरह की मिसाइल कारगर हो सकती हैं। ईरान ने अपनी इमेज बचाने के लिए, अपने लोगों को शांत रखने के लिए ये रिटेलिएटरी जो एग्रेशन किया है। हालांकि ईरान की फतेह वन हाइपरसोनिक मिसाइलें कितनी असरदार हुई, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 कितना कामयाब हुआ, इसकी पोल भी तस्वीरों से खुल गई। ईरान ने एक के बाद एक जिन फतेह वन हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल पर धावा बोला, उनमें से कई को इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। यही नहीं, इन मिसाइलों के कुछ हिस्से गाजा में गिरे तो कुछ लेबनान बॉर्डर पर। इसराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के मिसाइल हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया और फतेह वन हाइपरसोनिक मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया। इसराइल को ये बखूबी मालूम है कि वो दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में आता है, जिसे आयरन डोम कहते हैं। और उसका ये दावा है कि अधिकांश मिसाइलें जो हैं वो हवा में ही नष्ट कर दी गई हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, कुछ मिसाइल्स ने ज़रूर इसराइल को हिट किया है, लेकिन इसराइल उसके लिए मुकम्मल तौर से तैयार है। इसराइल के दावों की हकीकत क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी हवाई हमले से निपट सकता है। आयरन डोम किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। ऐसे में ईरान भले ही मिसाइल हमलों का जश्न मना रहा हो, लेकिन वो इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ होगा कि आगे क्या होने वाला है और इसराइल किस हद तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरान पर पलटवार की तैयारी में इसराइल। इस पूरी तरह से तैयार बताया गया है, कहा है हम पूरी तरह से तैयार है। इसराइल ने निशाने पर ईरान के 3 प्रतीक्षा भी ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से ईरानी एयरबेस को ध्वस्त करेंगे, ये तैयारी कर ली गई है। ईरान पर पलटवार करने की पूरी तैयारी, IDF की तरफ से देर रात भी ये ऐलान किया गया था, ये बड़ा दावा किया गया था कि ये जो हमला हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, इसके बाद हम शांत नहीं बैठेंगे और इसके बाद जरूर काउंटर अटैक किया जाएगा। पूरी दुनिया को पता है कि इसराइल बदला लेने से चूकता नहीं है, तो इस बार भी इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान को करारा जवाब देगा। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी जो उसने किया, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इजरायल का काउंटर अटैक प्लान क्या होगा, इजरायल के निशाने पर ईरान के कौन से शहर होंगे और सबसे बड़ा सवाल कि इजरायल का प्रमुख टारगेट क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ईरान ने इसराइल पर बारूद तो बरसा दिया, लेकिन अब उसके अंजाम से वहां की आवाम खौफ में है। ईरान में लोग तेल और गैस स्टोर कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। दरअसल ईरान के लोगों को अच्छी तरह पता है कि इंतकाम की आग में जलता इसराइल क्या करेगा। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इसराइल उनके मुल्क पर बारूद बरसा कर बदला लेगा, तो ऊर्जा जरूरतों के लिए निर्भर तेल, गैस और परमाणु संयंत्रों पर हमला करेगा। यही वजह है कि ईरान की जनता डरी सहमी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसराइल ईरान के किन शहरों पर हमला करेगा, वो ईरान के किन ठिकानों पर बारूद बरसाएगा, इसराइल ईरान को कैसे घुटनों पर लाने की कोशिश करेगा। तो आपको बता दें कि इसराइल ने ईरान पर काउंटर अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। इसराइल ईरान के तेल और गैस डिपोज पर बड़ा हमला कर सकता है। यही नहीं, इसराइल उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर भी हवाई हमले कर सकता है।
इसराइल के निशाने पर ईरान का बुशहर स्थित सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा। बुशहर परमाणु संयंत्र 1915 मेगावाट बिजली पैदा करता है और इसे 2013 में रूस की मदद से चालू किया गया था। इसके अलावा इसराइल उसके अनारक, अरक, अर्धकान और बोनाब परमाणु संयंत्रों पर भी हमला कर सकता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल का प्लान ईरान को अंधेरे में डुबो देना है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इसराइल यहीं नहीं रुकेगा, वो ईरान के परमाणु हथियार बनाने के अड्डों को भी तबाह करेगा, क्योंकि इसराइल को ऐसा करने के लिए शायद इससे अच्छा मौका न मिले। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने नतांज में परमाणु हथियारों का जखीरा छिपा रखा है। परमाणु हथियारों का ये अड्डा 2.7 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नतांज स्थित परमाणु हथियारों का जखीरा जमीन के करीब 400 फीट नीचे मौजूद है। इसकी सुरक्षा के लिए ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, साथ ही पूरे इलाके की फेंसिंग के साथ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तैनाती भी है। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहा होगा कि इतने महफूज और सीक्रेट एटमी अड्डे को इसराइल कैसे तबाह करेगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए इसराइल अमेरिका की मदद ले सकता है। जानकारों की माने तो इसराइल अमेरिका में बने GBU-57 बमों का इस्तेमाल कर सकता है। ये बम जमीन से कई फीट नीचे मौजूद दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकते हैं। तो इससे पहले भी ईरान के नतांज एटमी अड्डे को स्टेक्सनेट वायरस से निशाना बनाया जा चुका है। कहा जाता है कि इस वायरस को इसराइल और अमेरिका ने बनाया था। यही नहीं, दावों की माने तो इसराइल ने ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मार डाला था, जबकि बम ले जाने वाले ड्रोन को मार गिराया था। हालांकि उस वक्त ईरानी सेंट्रीफ्यूज ने इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए वायरस अटैक को नाकाम करने का दावा किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब इसराइल के पास कई घातक हथियार मौजूद हैं, अमेरिका का साथ हासिल है और बदले की बारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।